चंडीगढ़ में रोज फेस्टिवल हो रहा है, 50वां रोज फेस्टिवल है, गोल्डन जुबली है आज। और अभी वहाँ पे जो आप देख सकते हो सामने सेरेमनी हो रही है, हम वहाँ पे जा रहे हैं अभी, तो दिखाता हूँ आपको कि भाई क्या क्या होने वाला है, इवेंट्स कौन कौन से होने वाले हैं इस बार रोज फेस्टिवल के अंदर। तो गाइज इस बार हम पूरा मज़ा लेने वाले हैं और 3 दिन 3 व्लॉग्स होने वाले हैं रोज़ फेस्टिवल के, तो वीडियो के साथ बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये भाई एंट्री आप देख सकते हो, उस साइड से हमें आने नहीं दिया था पहले, तो हम आए थे बैक साइड से यहाँ पे, तो अभी फ़िलहाल यार फ्रंट में खड़े हैं इसके। और मैं आपको दिखाता हूँ यार अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। अभी इनॉग्रेशन हुई थी थोड़ी देर पहले और आपने देखा होगा कि यार बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं अंदर, ठीक है, सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा हुआ है और भी बहुत सारी डाले मतलब। देख सकते हो, थैंक यू सर। तो आप देख रहे हो यार सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा हुआ है यहाँ पे और मास्क वगैरह की चेकिंग चल रही है, ये देख सकते हो आप। तो भाई बहुत ही प्यारा सजा रखा है यार, मैं यहाँ से आ नहीं पाया था अंदर पहले क्योंकि मैं बैक साइड से एंट्री ली है, मैंने इधर से बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह आने नहीं दे रहे थे क्योंकि शायद चीफ गेस्ट वगैरह जो आ रखे हैं, VIPs आ रखे हैं, उनकी वजह से, सिक्योरिटी के रीजंस की वजह से शायद हमें फ्रंट गेट से जो है पार्किंग मिली नहीं। 3 दिन का रोज़ फेस्टिवल होने वाला है जैसे कि मैंने आपको बताया था, 25 से लेकर 27 तारीख तक, आज है 25 तारीख और कल मैंने आपको बताया कि लखविंदर वडाली जो आने वाले हैं यहाँ पर और अपनी संगीत का जो जादू है बिखेरने वाले हैं। देख सकते हो भाई कितना प्यारे तरीके से जो है इसको सजाया हुआ है हर साल की तरह। और भाई कह सकते हो यार आपकी रोज़ फेस्टिवल वन ऑफ द फेमस फेस्ट में से है चंडीगढ़ के, और जिसने रोज फेस्ट नहीं देखा चंडीगढ़ के अंदर उसने कुछ नहीं देखा भाई, सही बात बोलता हूँ आपको। और आप देख सकते हो कि कितने प्यारे तरीके से यार हर चीज़ को सजाया हुआ है और बहुत सारी वैरायटीज़ जो हैं रोज़ की यहाँ पे लोग लेके आते हैं और 1500 से ज़्यादा स्पीसीज़ जो हैं यहाँ पे रोज़ की मिलती हैं आपको, लोग बाहर से आते हैं सजाते हैं अपने, एग्जीबिशंस लग रखी हैं और कल तो शायद कुछ और इवेंट्स भी होने वाले हैं। हेलीकॉप्टर राइड को मिस करोगे बट बाकी सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यार आपको एक बात कह सकता हूँ कि चंडीगढ़ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस आप कह सकते हो इसे फेस्ट है ये, हम पूरा एंजॉय कर रहे हैं, मैं पूरा एंजॉय कर रहा हूँ और आप भी मेरे साथ एंजॉय करो। गाइस देखा आपने सामने प्रोग्राम्स हो रहे हैं यार, कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, दूर दूर से भाई आर्टिस्ट आ रखे हैं भाई यहाँ पे। बोलना चाहोगे बोलो। मेरा नाम जिंदे गुलफाम है और मैं मलेका जजीरा में रहता हूँ, जिसके पास अलादीन का चिराग होता है मैं उसी का गुलाम होता हूँ। मैं राजस्थान से जयपुर जिला के छोटे से गांव बहादुरपुरा से आया हुआ हूं और आज चंडीगढ़ की मनोरंजन और वेशभूषा और इस मेले की शोभा बढ़ाने वास्ते आया हुआ हूं। और ये भारत की प्राचीन कलाओं में से एक कला है, बहुरूपिया कला, और आज मैं जिंद का क्वेश्चन पे रखा हूं। और कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप और भी जगह जाते हो? हाँ सर, हम हिंदुस्तान, तो राजस्थान से हो? हाँ राजस्थान से सर। ठीक है ठीक है, पेट पूरा बुला रखा है, क्या बात है। तो गाइस आपने देखा यार कि आर्टिस्ट आ रखे हैं भाई दूर दूर से यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर, रोज फेस्टिवल हो रहा है भाई 2 साल के बाद, 1 साल पहले हुआ था 2021 में बट इतना कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ कोरोना वॉरियर्स थे जो उनके लिए मनाया गया था, बट इस साल भाई बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत खुशी का मौका है, बाहर से भी लोग आ रखे हैं, तो आप भी इंजॉय करो यार, आओ चंडीगढ़ पहुंचो। कल भाई 26 तारीख लखविंदर वडाली भाई 4 बजे आ रहे हैं यहाँ पे अपनी कलों को निखेरने के लिए, अपने संगीत को बिखेरने के लिए, हमारे बीच में आओ यार आप भी और इंजॉय करो रोज फेस्टिवल। तो मैं दिखाता हूँ आपको और भी चीजें और वीडियो में जुड़े रहना। देख सकते हो यार इन्होंने अभी अंदर परफॉर्म किया था, जिनकी आपने शायद देखी भी होगी अंदर। अब ऊपर क्या देख रहा, नीचे देख, पढ़ाई कर। काफी टाइम से बंद पड़े थे, पानी पुनी इनमें था नहीं, बट भाई रोज फेस्टिवल है तो भाई होंगे जरूर यहाँ पे भी। देख सकते हो भाई क्या बात है यार,
मेन काम जो भाई रोज़ फेस्टिवल के अंदर है वो है प्लांटेशंस देखना, ठीक है। अलग अलग वेराइटीज़ के प्लांट्स जो यहाँ पे मौजूद है भाई इस वक्त, और कहते हैं कि 1500 से ज़्यादा स्पीशीज़ जो है यहाँ पे रोज़ेस की लाई जाती हैं यार, यहाँ पे प्लांट्स की लाई जाती हैं। तो आप देख सकते हो यार, ये लोगों ने अपने घरों में उगा रखे हैं, इसके ऊपर नाम भी वगैरह लिखे होते हैं लोगों के, जिन्होंने ये अपने घरों में प्लांटेशन कर रखी होती है, ठीक है। और भाई यहाँ पे कंपटीशन वगैरह भी होता है यार, प्राइजेस वगैरह दिए जाते हैं उसके हिसाब से। ये देख सकते हो यार, यहाँ पे जो है पंजाबी विरसा, ये थोड़ा कल्चर दिखाया गया है यहाँ पे पंजाब का। तो काफ़ी चीज़ें हैं यार यहाँ पे देखने वाली। भीड़ अभी उतनी नहीं हुई है क्योंकि ऑब्वियसली बात है फर्स्ट डे है, और थोड़ा सा अभी लोगों को पता भी नहीं है। तो जो भी भाई देख रहा है यार वीडियो, आपको पहुंचना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए चंडीगढ़ का रोज़ फेस्टिवल, जो कि लग रहा है भाई पूरे 2 साल बाद। 2021 में जो रोज़ फेस्टिवल लगा था वो थोड़ा सा फीका हो गया था, फीका इसलिए हुआ था क्योंकि इवेंट्स नहीं हुए थे। हाँ, बट वो भी ज़रूरी था, कोरोना वॉरियर्स के लिए जो है वो बनाया गया था यार। तो अब आप देख सकते हो भाई सामने यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह भी हैं, हर किसी ने अपनी अपनी एग्जीबिशन लगा रखी है, जो जो उनके पास आर्ट होगी, जो जो वो काम करते हैं वो यहाँ पे आके भाई लगाते हैं। ये देख सकते हो यार आप, रोज़ेस वगैरह पड़े हैं यहाँ पे, फ़ोटोशूट वगैरह भी लोग यहाँ पे करवा रहे हैं। ये आप देख सकते हो गुलाब वगैरह रख के, बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स जो हैं लोगों ने घर पे लगा रखे हैं। ये प्राइज़ मिल चुका है भाई इनको, देख सकते हो फर्स्ट प्राइज़, ठीक है। ये देखो भाई क्या बात है बाबा, और लोग मतलब कितने शौकीन हैं आप देख सकते हो यार यहाँ पे। आप घर पे बैठे बैठे अंदाज़ा नहीं लगा सकते इन चीज़ों का, आप वीडियो में वो चीज़ नहीं देख पाओगे जो मैं सामने से देख पा रहा हूँ। आप देखो कितनी बढ़िया जो बटरफ्लाई बनाई है यार यहाँ पे, और इसे भी फर्स्ट प्राइज मिला है। सब्सक्राइबर लगा। अरे भाई क्या बात है भाई, सब्सक्राइबर मिला भाई। आपने इतने अच्छे से सारा दिखाया कि कैसे तैयारियां चल रही हैं रोज फेस्टिवल में। थैंक यू भाई, थैंक यू यार। भाई ऐसे बड़ी खुशी होती है यार जब हमें कोई सब्सक्राइबर मिलता है, क्योंकि हम भी ग्रोइंग ही, अभी ग्रोइंग स्टेज में है, ठीक है। तो थैंक यू भाई, आपने चैनल सब्सक्राइब किया यार, देख सकते हो भाई यार सब्सक्राइबर मिल रहे हैं भाई, क्या बात है। तुम्हारा भाई बड़ा हो रहा है, तुम्हारा भाई भाई ग्रो कर रहा है, क्या बात है। तो आप देख सकते हो यार, बैक टू द टॉपिक, देख सकते हो फ्लावर्स कितने सारे हैं यार यहाँ पे, और भी जो है लोगों को प्राइजेस मिले हुए हैं यार। मज़ा आ गया भाई, खुशी हो रही है अब तो मुझे, एकदम खुशी होगी, क्या कहता है लोंडे है। तो भाई अब जो है और मज़ा आने वाला है भाई व्लॉग करने में, ठीक है। तो लोग, मैंने कहा था ना कि लोग जो हमारी वीडियोस देख के पहुंच रहे हैं यार यहाँ पे, तो बड़ी खुशी होती है यार उस चीज़ से। तो भाई ये देखो यार, ये फ्लावर्स वगैरह पहुँचे हैं भाई, क्या बात है। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो यार, यहाँ पे डॉल्स वगैरह भी हैं बहुत सारी, ऐसी डॉल्स मैंने पहले कहीं देखी ज़रूर है, अब कहाँ देखी मुझे याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा। हाँ, ऐसी डॉल्स मैंने देखी हैं भाई रॉक गार्डन के अंदर, डॉल म्यूज़ियम के अंदर। तो भाई सेम वैसा ही कुछ जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो भाई देख सकते हो यार क्या बात है, कितने बढ़िया चीज़ें। और ये देखिए टेनिस की बोले हैं यार ये, तो उनसे जो है ये बना रखा है कुछ, अब मुझे पता नहीं कैसे सजाया गया इसको। तो ये कैक्टस वगैरह भी हैं यार यहाँ पे, क्या बात है, ये बहुत वैरायटी है कैक्टस की। कैक्टस भी अच्छा प्लांट होता है यार, कैक्टस को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। हर जगह यार जहाँ भी मेरी नज़र जा रही है मुझे फर्स्ट प्राइज और सेकंड प्राइज देखने को मिल रहा है। मैं भी सोचता था काश मैं भी ऐसे प्लांट उगाऊं और जो है यहाँ पे एग्जीबिशन में लगाऊं और कुछ प्राइज लेके जाऊं, बट भाई यहाँ तो अपनी वीडियोस नहीं चल रही यार, तो प्लांट्स तो पता नहीं कहाँ चलेंगे। प्लांट्स लगाता हूँ चलते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। तो भाई चलते हैं यार बाहर की तरफ और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। फूलों से सजा रखा है, एलिफेंट बना रखा है, यहाँ पे एक अम्ब्रेला बना रखी है, और जो है सिक्योरिटी का भी पूरा ख्याल रखा गया है भाई, फायर वालों की गाड़ियां लग रखी हैं, और भी मतलब कोविड के वैक्सीनेशन सेंटर भी बने हुए हैं यहाँ पे। नाटक हो रहा है भाई यहाँ पे, नशा मुक्त भारत अभियान भाई, भाई बंद करके तो नहीं आ रखे हो गया पेपर खत्म, कैसा हुआ, किस चीज का पेपर था आज? बिजनेस का था। बिजनेस का, अकाउंट्स का स्टूडेंट है क्या तुम? हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है, चलो सही है भाई। बच्चे यार पेपर देके आ रहे हैं और हमारे कॉलेज नहीं खुल रहे, क्या बात है। खुलने भी नहीं चाहिए, खुलने भी नहीं चाहिए हमारे कॉलेज, तभी तो हम यहाँ पहुंचे हैं। कुछ वहाँ पे भी हो रहा है भाई, कुछ
पलटावत देना इसको हाथ में लेके भाई रे क्या करेंगे क्या हो ओ भाई 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 एक चीज बोलो फिर कहते चंडीगढ़ वालों को सब्सक्राइब करो चंडीगढ़ वाला बोलो भाई लड़के खुश हो गए क्या बात है भाई क्या बात है कहाँ से हो भाई तो गाइज अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना यार और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट ब्लॉग मतलब कल मिलते हैं कल है 26 तारीख कल आने वाला लखविंदर बडालिक 4 बजे तो हम शाम के टाइम पर आएंगे अब रोज़ फेस्टिवल 4 बजे रात को वीडियो डलने वाली है मैं आपको दिखाऊंगा लखविंदर बडालिक जो गाने गाएंगे यहां पे जो अपने संगीत के जादू बिखेरने वाले हैं कल मिलते हैं भाई 4 बजे लखविंदर बडालिक जी के साथ तो मिलते हैं कल